निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए, और ये बैठी हैं आयशा, और हमारे साथ एक और भी आई हैं जिनको हम लाना नहीं चाह रहे थे, वो आ गई हैं। चल सकती है मगर जंप नहीं कर सकती बिल्कुल भी। अभी जंप नहीं करना जंप है। नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी YouTube फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक, और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सब कैसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, यहाँ जो है ना हमारी मीठी मीठी दोपहर हो रही है, और उठते साथ ही हमने अल्पेक ऑर्डर कर दिया है, और अल्पेक की खुशबू से हो रहा है दिमाग खराब। और बस अदील साहब ने उठते ही व्लॉग शुरू कर दिया। मैं अदील साहब ने सलाम किया, उसके बाद कह रहे थे मुझसे नहीं बन रहा, आप खुद ही बात करें, मुझसे इससे आगे नहीं हो रहा। तो बस अभी हम जो है ना अल्पेक एंजॉय करते हैं, उसके बाद देखते हैं आज के रूटीन में हमारे साथ क्या क्या है, वो सब करेंगे शेयर। आज जो है 19 मार्च है, और हम आयशा को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि ऑलमोस्ट 29 to 30 days हो गए। तो बोले ना थे, क्या बोल रही थी आप? मैं आयशा को अभी यही बता रही थी, यही समझा रही थी कि बेटा आपने डॉक्टर से सारे सवाल करने हैं, मैं इसलिए नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि अहमद है, अहमद बात करने नहीं देगा वहाँ पे, और सारे बच्चों को साथ लेके जाना मतलब कि हॉस्पिटल में सब बच्चे बीमार भी हैं, इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि मैं घर बैठी हूँ। अवॉइड हो सही। अदील के साथ आप जा रही हो तो आपने डॉक्टर से सारे सवाल करने हैं। मैं स्विमिंग क्लास ले सकती हूँ, हम जैसे ईद के बाद आपको समर की छुट्टियां होंगी तो मैं आपको क्लासेस करवाऊंगी उसकी स्विमिंग की, ठीक है? ये भी पूछना है, और ये भी पूछना है मैं स्पोर्ट में हिस्सा ले सकती हूँ क्योंकि आपकी जो एक्सरे में हड्डी शो हो रही है वो थोड़ी सी हो रही है। आपने अपनी कंफर्म पूरी बातें डॉक्टर से पूछ के आनी है तसल्ली से कि डॉक्टर कह रहा है कि हाँ हर चीज आप कर सकती हैं इजीली, तो इसका मतलब है आप हर चीज में हिस्सा ले सकती हो, फिर आपको टेंशन नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, पूछते हैं इंशाल्लाह। डॉक्टर से हर चीज पूछ के आना, और अभी आपका ये प्लास्टर उतरेगा तो फिर आपका एक्सरे होगा, ठीक है? और अल्लाह मियां से दुआएं करती जाओ कि या अल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं, मैं 4 नफल अदा करूंगी शुक्राने के, नियत कर लो, ठीक है? 4 नफल अदा करूंगी शुक्राने के, ठीक है? अगर मेरा एक्सरे बिल्कुल फिट आया इंशाल्लाह, ठीक है? और बाकी आपके साथ इन सब की दुआएं हैं, यूट्यूब फैमिली की बहुत सारी दुआएं आपके साथ, अभी भी सब ये सुन के आपको दुआएं दे रहे होंगे कि इंशाल्लाह आशा आप टेंशन ना लो, आप बेटा जाओ, आपका सब परफेक्ट आए। चलो फिर चलते हैं इंशाल्लाह, तो फिर हो ठीक है, ओके अभी ठीक हो जाए। चलो चलो फिर मूव होते हैं, चलो आ जाओ। निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए, और ये बैठी हैं आयशा, और हमारे साथ एक और भी आई हैं जिनको हम लाना नहीं चाह रहे थे, वो आ गई हैं, और उनका नाम है इनाया। और ये एक्शन मार के इधर बैठी हुई हैं, ये समझ नहीं कि मम्मा की सीट में बैठ के ये पोप बन रही हैं, इनको फ्रंट सीट में बिठा तो दिया। बेल्ट कहाँ आपकी, बेल्ट क्यों नहीं बनी? हाँ बेल्ट पहने, शाबाश। चले फिर हम मिलते हैं हॉस्पिटल की तरफ। हमने इनको कहाँ बिठाया है, और लोग आ गए हैं हॉस्पिटल, और ये बैठी हुई हैं। भाई क्या सोच रही तो आपने लाल रंग की शर्ट पहनी, और हर चीज़ लाल लाल है। वाह भाई वाह। ये इनको एक्सरे के लेकर आए, डॉक्टर ने बोला कि एक्सरे करवाएंगे, फिर चेक करेंगे कि जो हड्डी है कितनी जुड़ी है। هذا اي ما شاء الله كويس احسن من اول لا الحمد لله اي احسن من اول ما شاء الله मगर 2-3 हफ्ते आपको केयर करनी है, ठीक है? जंप नहीं करनी, ओके? हाँ आयशा,
माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हाँ जी कैसा लग रहा है? अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। चलो गुड ओके। यहाँ पे जो बात हो रही है ये हो रही है कि इनाया जो है अब आयशा का काम नहीं करेंगी क्योंकि लाइट चला जा रहा है, लाइट अंधेरा आ रहा है क्योंकि आयशा हो गई सही। तो आयशा भी क्या रहा है? मुझे लग रहा है इनाया फ्री भी करेगी लेकिन मैं आराम से बैठूंगी ना। हाँ वो रेस्ट करेगी अब। नहीं वो रेस्ट नहीं करेगी। रेस्ट डेज चलने उसके अब नहीं। हुँ? एक दिन छोड़ कर एक दिन छोड़ कर अब आप खुद काम करोगी। बहुत कर लिया आपने, एक महीना सबसे काम करवा लिया आपने। हम्म, अब आप खुद काम करोगे राइट। अब आप खुद अपना काम करोगे और हम लोग आराम से बैठे। हाँ चलो। अच्छा जी यहाँ पे जो है नाजिया को नहीं पता है कि आयशा का प्लस उतर गया ठीक है ना। सो अब हम क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है और हमने केक भी ले लिया पांडा से ठीक है। और इसलिए लिया है कि प्लास्टर उतरा है तो एक खुशी भी है जी। और इनको भी इनका फेवरेट भी है तो मम्मा को नहीं पता। हाँ जी मैं बताऊंगी मम्मा को। तो मम्मा को जब बताओगी तो हम उनकी फीलिंग हाँ कैमरे में कैच कर लेंगे ठीक है। ठीक है चलो। कि यहाँ इतनी मट्टी हो रही है, दो दिन से बारिश हुई है फिर ऊपर से ये देखिए हवा चली है और इतनी ज़्यादा मट्टी हो रही है। और आयशा भी हॉस्पिटल से आ चुकी हैं और बस अंदर आ ही रही हैं। अदील साहब बता नहीं रहे मुझे, बस कह रहे हैं कि रुको यहीं पे और आयशा का रिएक्शन देना देखना। मैं कहा पता नहीं क्या हो गया आयशा के रिएक्शन क्या मतलब। तो इनाया भी नहीं बता रही है क्या हुआ है बताओ। इनाया भी नहीं बता रही हैं और पापा भी नहीं बता रहे हैं इनके। तो अभी मैं रुकी हूँ, अंदर आ रही हैं आशा साहिबा तो देखते हैं इनका रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम। उतर गया है। ओ, आपने मुझे कहा उसको आधा प्लास्टर लगा दिया दोबारा। और पाँव क्या करना है अभी, नीचे नहीं रखना है? रख सकती है। तो फिर रख क्यों नहीं रही, डर क्यों रही हो? परेशान हो रही है। हैं? थोड़ा परेशान हो रही है। घबरा रही हो? हड्डी से जुड़ गया लगा शुक्र है। थोड़ा सा है लगा दो हफ्ते में, दो हफ्ते तीन हफ्ते को रेस्ट करने के लिए बोला है। चल सकती है मगर जंप नहीं कर सकती बिल्कुल भी। अभी जंप नहीं करना है? सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती और कुछ बाहर इतनी एक्टिविटी नहीं कर सकती दो हफ्ते तक। सकती बस। हाँ आयशा देखा आपने जहन में है ना, जंप नहीं करना है बिल्कुल भी। अब आपका प्लास्टर उतर गया ठीक है, खुश है ना? चलो चलो आप पाँव रखो। रख क्यों नहीं रही है पाँव? डर रही है पापा, मुझे थोड़ा दर्द होगा। थोड़ा सा होगा डॉक्टर ने। तो फिर इसके साथ चलो। डॉक्टर ने कहा थोड़ा सा होगा, मैं ऊपर पैर को ऊपर लेके चल रहा हूं, उसको ऊपर लेके चलो ना यार। डॉक्टर ने कहा कुछ जाएगा प्लास्टर लगा हुआ इतने दिनों से। हां और इसके इसके ऊपर मैं सोच रही हूँ वो जो मैं सोच रही हूँ वो जो दवा दी है ना वो लगा दूंगी है। और सरप्राइज भी है? और कौन सा सरप्राइज है भाई, कौन सा सरप्राइज है और है बताओ ना। बाप सरप्राइज पे सरप्राइज लेकर आए हैं, क्या हुआ? खैरियत तो है? क्या सरप्राइज है? केक आए। अच्छा इनकी खुशी में आया है केक है ना, खुशी में केक आया इनके प्लास्टर उतरने की खुशी में। प्लास्टर उतरने पे आया। चलो पाँव हल्का हल्का बस रखो बेटा नीचे आओ, ये नहीं कि पाँव रखना ही नहीं है नीचे बिल्कुल आ जाओ। क्योंकि 45 days आपको डॉक्टर ने बोले थे कि रेस्ट करना है, प्लास्टर तो उतर जाएगा महीने बाद ही लेकिन रेस्ट इसको मजीद 2 weeks और करनी है। और अभी घबरा भी रही है, नीचे पाँव नहीं रख पा रही है, इसको घबराहट हो रही है। क्यों घबराहट हो रही है, डर लग रहा है? अच्छा चलो आ जाओ आ जाओ। नीचे इसलिए नहीं रख रही बेटा, वो डर रही है। डार्क स्किन वो स्किन वो हुई है ना, प्लास्टर था ना। और अगर ये थोड़ा सा से काटी है। अच्छा
ये थोड़ा सा नीला हुआ है पाँव आपका, साफ हो जाएगा बेटा, साफ हो जाएगा। दोनों पाँव तुम्हारे मैं अच्छी तरह से ना गर्म पानी में डाल के साफ करूंगी, साफ करूंगी। आ जाओ।